धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में कम क्यों हो रहे हैं? एटीएम मशीन से भी 2000 रुपए के नोट कम निकल रहे हैं। हर किसी के मन में सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर 2000 रुपए के नोट कम होने के पीछे वजह क्या है, जिसका जवाब अब सरकार ने ही दे दिया। लोग तो ये तक कयास लगाने लगे कि क्या 2000 रुपए का नोट बंद होने वाला है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि पिछले 2 सालों में 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नोटों की प्रिंटिंग को लेकर आरबीआई के साथ बातचीत कर सरकार फैसला लेती है। अप्रैल 2019 के बाद से एक भी नया 2000 का नोट बैंक ने नहीं छापा है। यही नहीं, अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले 3 सालों में लगातार 2000 रुपए के नोट प्रचलन में घटे हैं। उन्होंने बताया है कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 336.2 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को इसकी संख्या घटकर 249.9 करोड़ रह गई। वहीं मार्च 2020 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 नोटों की संख्या 273.9 करोड़ थी, जबकि मार्च 2019 के अंत में 2000 नोटों की संख्या 329.1 करोड़ थी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को संसद में एक लिखित जवाब में कहा, किसी मूल्य के बैंक नोटों की छपाई का फैसला जनता की लेन देन की मांग को पूरा करने के लिए आरबीआई की सलाह पर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 2019-20 और 2020-21 में 2000 रुपए के नोट की छपाई का ऑर्डर नहीं दिया गया। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।